प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे तथा पढ़ाई के प्रति आप सबका उत्साह कायम होगा। बच्चों, आज हम दसवीं कक्षा के विज्ञान का 12वां अध्याय विद्युत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम क्या कुछ जानते हैं। आवेश कितने प्रकार का होता है? परमाणु के भिन्न भिन्न भाग कौन से हैं? हमारे घर में पंखा, कूलर और बल्ब जलाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? विद्युत धारा क्या है? अब हम यह देखेंगे कि हम आज क्या सीखेंगे। विद्युत धारा और परिपथ, विद्युत विभव और विभवांतर, विद्युत परिपथ आरेख, ओम का नियम, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और इसके अनुप्रयोग, विद्युत शक्ति। सबसे पहले हम विद्युत धारा और परिपथ के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आप स्क्रीन पर आ रहे व्यक्ति को पहचानते हैं? जी हाँ, ये हैं महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन। क्या आप जानते हैं कि यह किसके लिए जाने जाते हैं? सन 1869 में इन्होंने विद्युत बल्ब की खोज की थी। इसके कारण ही हमारे घरों में सूर्यास्त होने के बाद भी रोशनी रहती है। बल्ब के अतिरिक्त एसी, एलईडी, गीजर, पंखा आदि भी विद्युत से चलते हैं। लेजर लाइट और फ्लैश लाइट को चलाने के लिए भी विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत क्या है? हम विद्युत के दो रूपों को जानते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अर्थात स्थिर विद्युत और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी अर्थात गतिशील विद्युत। हम गतिशील विद्युत के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। यदि हम थोड़ा सा चुंबक के बारे में सोचें, तो हमें पता है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। एक समान ध्रुव अर्थात उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण एक दूसरे को अपकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं और अलग अलग ध्रुव अर्थात उत्तर दक्षिण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार ही बच्चों, एक समान आवेश अर्थात धन धन अथवा ऋण ऋण यह भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु धन और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन यह विद्युत आवेश किन कणों में उपस्थित है? यह आवेश बहुत ही कम पुंज वाले और बहुत छोटे आकार के अवक्षेपित कणों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में होते हैं। धन आवेश प्रोटॉन और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन में उपस्थित है। हमारे आसपास सभी पदार्थों में लाखों करोड़ों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। कई पदार्थ जैसे कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र घूमते हैं, लेकिन अधातुओं में इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर होते हैं, जिस कारण यह अधातुओं में नहीं घूमते। हमारे घरों में मौजूद कोई भी विद्युत उपकरण जैसे कि ट्यूब में इलेक्ट्रॉन किसी तार में से किसी निर्धारित दिशा में गति करते हैं, इसलिए किसी तार में ऋण आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन के किसी दिशा में प्रवाहित होने को विद्युत धारा कहा जाता है। जिस समय विद्युत परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था, उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए विद्युत धारा को धन आवेश का प्रवाह माना गया और धन आवेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। परंपरा अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश हैं की प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना जाता है।
यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय टी में नेट आवेश क्यू प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा आई को इस प्रकार दर्शाया जाता है, आई बराबर क्यू बटा टी। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है, जो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम आवेश होता है। विद्युत धारा को एक मात्रक, जिसे एम्पियर कहते हैं, में व्यक्त किया जाता है। इस मात्रक का नाम एंड्रे मैरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। एक एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकंड। एक परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसे सदैव परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है, उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इस चित्र को देखें, जिसमें एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा प्लग कुंजी जुड़े हैं। परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से प्रवाहित होती है। विद्युत विभव और विभवांतर। बच्चों, वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित करता है? आइए जल के प्रवाह से सदृश के आधार पर इसका विचार करें। मान लीजिए 2 बीकर एक समान मात्रा में पानी से भरे हुए हैं और यह दोनों बीकर एक पाइप की सहायता से जुड़े हुए हैं। यदि हम इन बीकरों का कुछ समय तक प्रेक्षण करें तो हम देखेंगे कि दोनों बीकरों में से जल का प्रवाह नहीं हो रहा, क्योंकि इन बीकरों में जल की एक समान मात्रा मौजूद है। लेकिन बच्चों, सोचो, हम इनमें जल का प्रवाह किस प्रकार करेंगे? यदि हम दूसरे बीकर की ऊंचाई बढ़ा दें, तो जल बीकर 2 में से बीकर 1 की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से पाइप के दोनों सिरों के बीच में दाबांतर स्थापित हो गया। इस प्रकार किसी तार में से आवेशों के प्रवाह के लिए किसी कारक की आवश्यकता होगी। वह कारक क्या है, आओ जानें। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं, तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर है किया गया कार्य बटा आवेश, अर्थात V बराबर W बटा Q। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है, जिसका नाम इटली के भौतिक विज्ञानी एलेसेंड्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। विभवांतर का माप एक यंत्र द्वारा किया जाता है, जिसे वोल्टमीटर कहते हैं।
वोल्टमीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। ओम का नियम। बच्चों, जिस प्रकार हम जान चुके हैं कि एक समान मात्रा में मौजूद जल के दो बीकरों में से जल का प्रवाह तभी हो सकता है जब उन दोनों के बीच में कुछ ऊंचाई या दाबांतर रखा जाए। जैसे जैसे हम एक बीकर की ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे, उतना ही जल का प्रवाह भी बढ़ता जाएगा। अर्थात जल का प्रवाह सीधे अनुपातिक है ऊंचाई के। बच्चों, अब हम अगर दो बीकरों को जोड़ने वाली पाइप की मोटाई घटा दें तो फिर क्या होगा? मोटाई घटाने पर जल का प्रवाह कम हो जाएगा, अर्थात जल का प्रवाह व्युत्क्रमानुपाती है पाइप की मोटाई से। इन संबंधों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जल का प्रवाह किसी वस्तु की ऊंचाई से सीधा अनुपाती है और मोटाई से व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार इस उदाहरण के साथ हम ओम के नियम को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जल के प्रवाह का संबंध विद्युत धारा के साथ कह सकते हैं, ऊंचाई का संबंध विभवांतर और मोटाई का संबंध प्रतिरोध के साथ कह सकते हैं। इसलिए विद्युत धारा किसी दो बिंदुओं के बीच मौजूद विभवांतर के सीधा अनुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अधिक विभवांतर अर्थात अधिक विद्युत धारा, अधिक प्रतिरोध अर्थात कम विद्युत धारा। आओ हम ओम के नियम को एक क्रिया द्वारा समझें। इस क्रियाकलाप के लिए हमें निक्रोम की तार, एमीटर, वोल्टमीटर और 3 1.5 वोल्ट के विद्युत सेल चाहिए। चित्र में दिखाए अनुसार परिपथ तैयार करें। परिपथ में निक्रोम तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के लिए एमीटर की पाठ्यांक और तार के सिरों में विभवांतर के लिए वोल्टमीटर की पाठ्यांक लेंगे। मान लीजिए एक सेल के साथ हमने परिपथ में विद्युत धारा I1 और विभवांतर V1 है। इसे नोट करें। अब परिपथ में दो सेल जोड़ें और विद्युत धारा और विभवांतर का मान ज्ञात करें। इसे तालिका में लिखें। यह I2 और V2 I हैं। अब इसी प्रकार 3 सेल और 4 सेल अलग अलग परिपथ में लगाकर पाठ्यांक नोट करें। आप नोट करोगे कि जैसे जैसे परिपथ में सेलों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार परिपथ में विद्युत धारा और विभवांतर का मान भी बढ़ रहा है। अब विभवांतर V और विद्युत धारा I के प्रत्येक जोड़ों के लिए अनुपात V/I की गणना करो। आप नोट करेंगे कि V/I का अनुपात प्रत्येक जोड़े के लिए लगभग समान है। इसका ग्राफ इस प्रकार का होगा। इस प्रकार V/I एक निश्चित अनुपात है। इस संबंध का पता जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में लगाया। उन्होंने कहा, किसी धातु की तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों में से विभवांतर के सीधा अनुपाती होती है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। इसे हम ओम का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में V सीधा अनुपाती I, V/I बराबर स्थिर अंक R और V बराबर I/R। समीकरण में दी गई धातु के लिए दिए गए तापमान पर R एक स्थिर अंक है, जिसे तार का प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध की इकाई ओम है, जिसे ग्रीक भाषा के अक्षर ओम से दर्शाया जाता है। ओम के नियम अनुसार R बराबर V/I। यदि किसी चालक के दोनों सिरों में विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम है।
वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ओम के नियम को अनुप्रयोग करके हम यह पाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। परिशुद्ध माप यह दर्शाते हैं कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R अनुक्रमानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती A। इन समीकरणों को संयोजित करके हमें प्राप्त होता है R अनुपाती L बटा A अथवा R बराबर रो L बटा A। यहाँ रो अनुपातिकता स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर है। यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। धातुओं तथा मिश्रातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। ये विद्युत की अच्छी चालक हैं। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युतरोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। व्यापक रूप में मिश्रातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्रातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता। यही कारण है कि मिश्रातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य वैद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियां हैं, एक श्रेणी क्रम और दूसरी पार्श्व क्रम। पहले चित्र में देखो कि एक विद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोधकों R1, R2, R3 को एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलाकर जोड़ा गया है। प्रतिरोधकों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। दूसरे चित्र में प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन दिखाया गया है जिसमें तीन प्रतिरोधक R1, R2, R3 एक साथ बिंदुओं X तथा Y के बीच संयोजित हैं। प्रतिरोधकों के इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहा जाता है। आओ प्रतिरोधकों के निकाय को परिपथ द्वारा समझते हैं। परिपथ में प्रतिरोध के रूप में एक बल्ब लगा हुआ है। जब प्लग कुंजी दबाने पर परिपथ पूरा हो जाता है तो बल्ब बहुत तीव्रता से जगेगा। अब परिपथ में श्रेणी क्रम एक और बल्ब लगाओ। कुंजी दबाने पर हम देखते हैं कि दोनों बल्ब जग गए, लेकिन इनकी तीव्रता अर्थात प्रकाश पहले से कम है। इसी प्रकार अगर हम परिपथ में एक और बल्ब श्रेणी क्रम जोड़ देंगे तो हम नोट करेंगे कि सभी बल्बों के प्रकाश की तीव्रता निरंतर कम होती जाएगी। इससे हमें यह पता चलता है कि यदि हम परिपथ में प्रतिरोधकों की गिनती बढ़ाते जाएंगे तो विद्युत धारा की मात्रा कम होती जाएगी, अर्थात प्रकाश कम होता जाएगा। श्रेणी क्रम प्रतिरोधक कुल प्रतिरोधक बढ़ेगा, विद्युत धारा कम होगी। पहले जैसा ही हम एक और परिपथ बनाएंगे जिसमें शुरू में एक बल्ब लगाएंगे। अन्य बल्ब लगाने से पहले श्रेणी क्रम में एक टेस्ट बल्ब लगाएंगे जो हमें अन्य बल्ब जोड़ने पर प्रकाश में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताएगा। प्लग कुंजी दबाने पर हम नोट करेंगे कि बल्ब दीप्त हो गया। अब एक और बल्ब पहले बल्ब के पार्श्व संयोजन करेंगे। हम देखेंगे कि टेस्ट बल्ब में विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ गया है और टेस्ट बल्ब की तीव्रता पहले से बढ़ गई है। इस प्रकार हम बल्ब अर्थात प्रतिरोधकों की गिनती बढ़ाते जाएंगे
और देखेंगे कि टेस्ट बल्ब के प्रकाश की तीव्रता भी निरंतर बढ़ रही है। पार्श्वक्रम प्रतिरोधक अर्थात कुल प्रतिरोधक कम होगा और विद्युत धारा बढ़ेगी। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और इसका उपयोग। हम जानते हैं कि बैटरी या सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है, जो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में गति स्थापित करता है। परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। यह ऊर्जा कहाँ चली जाती है? विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुए स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने में उपयोग हो जाता है। स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है जो साधित्रों के ताप में वृद्धि करती है। इसका प्रेक्षण प्राय हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफी समय तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षेपित होती रहती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर विद्युत इस्त्री जैसी युक्तियों में किया जाता है। प्रतिरोध R के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए जिससे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए इसके सिरों के बीच विभवांतर V है जिससे समय T में Q आवेश प्रवाहित होता है। Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होने में किया गया कार्य VQ है। इसलिए समय T में V गुणा Q ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए। स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति P बराबर V गुणा Q बटा T बराबर VI अर्थात समय T में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा P गुणा T है जो VIT के बराबर है। स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली इस ऊर्जा का क्या होता है? यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोधक में क्षेत हो जाती है। इस प्रकार किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय T में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा H बराबर VIT है। ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है H बराबर I की पावर 2 RT। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। इस नियम से यह स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा दिए गए प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती तथा उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। व्यवहारिक परिस्थितियों में जब एक वैद्युत सांधित्र को किसी ज्ञात वोल्टता स्रोत से संयोजित करते हैं तो संबंध I बराबर V बटा R के द्वारा उस साधित्र से प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित करने के पश्चात समीकरण का उपयोग करते हैं। विद्युत शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। शक्ति को पी अक्षर से दर्शाया जाता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है। वास्तविक व्यवहार में हम इसके काफी बड़े मात्रक किलोवाट का उपयोग करते हैं। एक किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा है।
विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक 1 किलोवाट घंटा है, जिसे सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट गुणा 3600 सेकेंड, जिसका मूल्यांकन आता है 3.6 × 10^6 जूल। दोहराई, किसी विद्युत धारा के निरंतर और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर है। ओम का नियम, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु एक शर्त यह है कि प्रतिरोधक का ताप समान रहना चाहिए। श्रेणी क्रम में संयोजित बहुत से प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध उनके व्यष्टिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। किसी प्रतिरोधक में क्षयित अथवा उपभुक्त ऊर्जा को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, W बराबर V गुणा I गुणा T। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आशा करती हूं कि आपको इनके उत्तर आते ही होंगे। मेरा पहला प्रश्न, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? आपके उत्तर हैं वॉट, एम्पियर, ओम तथा वोल्ट। तो इनमें से सही उत्तर है वॉट। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है? आपके विकल्प हैं श्रेणी में, पार्श्व में। तो इसका सही उत्तर है पार्श्व में। मेरा अगला प्रश्न, विभवांतर का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? एमीटर या वोल्ट मीटर? इसका सही उत्तर है वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करता है? आपके विकल्प हैं चालक की लंबाई, चालक के परिक्षेत्र काट के क्षेत्रफल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधकों का सूत्र लिखें। इसका उत्तर है RS बराबर R1 जमा R2 जमा R3। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आ गया है। बच्चों, तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।